दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आइडल सीज़न 12 के कंटेस्टेंट सवाई भट्ट की लाइफ स्टोरी के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सवाई भट्ट का जन्म राजस्थान के नागौर ज़िले के एक छोटे से गांव गच्छीपुरा में हुआ था। वह अपनी माँ और पिता के साथ एक कठपुतली शो चलाते थे। यह राजस्थान का पारंपरिक संगीत है जो उनका गौरव है। सवाई भट्ट बहुत ही प्रतिभाशाली गायक और कठपुतली चलाने वाले हैं जो इंडियन आइडल सीज़न 12 में भाग लिया, पर वह शोर से बाहर हो गए, पर अपनी गायकी से पूरे देश में अपने फ़ैन बना चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी और इनकी लाइफस्टाइल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इनके फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें, आई एम फैन ऑफ सवाई भट्ट। दोस्तों इनका रियल नाम है सवाई भट्ट, निकनेम सवाई, प्रोफेशन से वो एक सिंगर है। सवाई का भट्ट का जन्म 1998 में राजस्थान के नागौर ज़िले में हुआ था और अब उनकी उम्र 2021 तक लगभग 22 वर्ष है। सवाई अपने परिवार के साथ अपने गांव में रहते हैं। उन्होंने सवाई इंडियन आइडल 10 में भी थे, लेकिन वे टॉप 15 राउंड में बाहर हो गए। अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। इनकी लंबाई है 5 फुट 8 इंच, वज़न है 60 किलोग्राम, बॉडी मेजरमेंट 40-32-12। उनकी आंखों का रंग काला है, बालों का रंग भी काला है। नेशनैलिटी से वह एक इंडियन है और रिलीजन से हिंदू है। इनके फेवरेट सिंगर शान हैं। पसंदीदा भोजन राजस्थानी फूड, पसंदीदा स्थान गोवा, हॉबीज़ सिंगिंग। अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। उनके पिता का नाम रमेश भट्ट है, वे कठपुतली का शो चलाते हैं, और उनकी माता का नाम सुशीला भट्ट है। इनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम ज्ञात नहीं है। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। सवाई भट्ट की अभी तक शादी नहीं हुई है और इनके रिलेशनशिप की भी कोई जानकारी नहीं है। उनको अपने काम से अत्यधिक लगाव है और उनका सपना है कि उनको बॉलीवुड में गाने का अवसर मिले। अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। सवाई भट्ट को बचपन से ही संगीत से बहुत लगाव था। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के होने के कारण सवाई भट्ट ने संगीत का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया और अपने दम पर सब कुछ सीखा। वह कठपुतली शो में अपने पिता की भी मदद करते थे। उन्हें संगीत का ज्ञान अपने पिता से मिला, क्योंकि कठपुतली शो के दौरान वे अक्सर लोकगीत और पारंपरिक राजस्थानी कहानियां गाते थे। उन्हें पहली बार इंडियन आइडल सीजन 10 के माध्यम से राष्ट्रीय मंच पर देखा गया था और उन्होंने अपनी अद्भुत आवाज़ से सभी को चौंका दिया था। हालांकि कुछ समय बाद वह एलिमिनेट हो गए। बाद में उन्होंने कई स्थानीय कार्यक्रम भी किए और अपना नाम स्थापित किया, लेकिन एक सफल गायक बनने का उनका सपना कभी नहीं रुका और दोहरे उत्साह और अभ्यास के साथ वो फिर से इंडियन आइडल सीज़न 12 के शो पर वापस आ गए। उनके अद्भुत प्रदर्शन ने दर्शकों और यहाँ तक कि जजों का भी दिल जीत लिया और उन्हें साथी प्रतियोगियों सहित सभी ने सराहना दी। इंडियन आइडल 12 में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने फिर से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली और सीज़न के शीर्ष 8 प्रतियोगियों में से एक बन गए। हालांकि 20 जून 2021 को कम वोट मिलने के कारण सवाई को शो से बाहर निकल दिया गया। उनके एलिमिनेशन से उनके फैंस को काफ़ी निराशा हुई। अब जान लेते हैं सवाई भट्ट के घर के बारे में। सवाई भट्ट अपने फैमिली के साथ राजस्थान के नागौर में रहते हैं। आजकल वह अपने काम के कारण मुंबई में रह रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी इनकम के बारे में। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 10 से 20 लाख है। उनकी आय का स्रोत स्टेज शो से है और दूसरा आय ब्रांड विज्ञापनों और अन्य से आती है। आइए जान लेते हैं उनकी कुछ अनसुनी बातें। सवाई भट्ट एक भारतीय कठपुतली और गायक है। वह गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के एक प्रतियोगी के रूप में अपने चयन के लिए सुर्खियों में आए। सवाई भट्ट का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। वह अपने जीवन यापन को बनाए रखने के लिए पूरे राजस्थान में अपने पिता और माता के साथ कठपुतली शो चलाते थे।
उन्हें बचपन से ही संगीत का शौक था, लेकिन अपने रहन सहन की वजह से इस पर ध्यान नहीं दे सके। उन्हें हारमोनियम बजाना बहुत पसंद है। जैसे जैसे मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना आया, उसके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया था। उनके शो पूरी तरह बंद हो रहे थे। सवाई को उनके दोस्तों ने एक सिंगिंग शो में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने इंडियन आइडल 10 के लिए ऑडिशन दिया और शुरू में इसके लिए चुने गए, लेकिन शीर्ष 24 में जगह नहीं बना सके। इंडियन आइडल के 12वें सीजन में सवाई गायन पर बहुत ध्यान केंद्रित किया और फिर से ऑडिशन दिया। उन्होंने लोकगीत केसरिया बालम आयो मारे देश गाया और अपनी आवाज़ से जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने ना केवल शो के लिए चुना गया, बल्कि जजों ने गोल्डन माइक भी दिया। तो यह थी सवाई भट्ट की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप सवाई भट्ट के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किसके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।